हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से अब तक 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश भर में 1,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव का नया केस आया सामने। इसी के साथ फरीदाबाद में अब तक 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। मरीज को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश बीजेपी ने कोरोना राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने ये जानकारी दी। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 6 दिन है। लोगों को जागरूक जरूरत का सामान देने के लिए धीरे धीरे छूट दी जा रही है। इसी के साथ लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी की सुविधाओं को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। नीलकेणी और करनाल में मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया। मजदूरों को कैंपों में जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। चैत्र नवरात्र का 6 दिन, आज के दिन माँ दुर्गा के 6 स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। क्षेत्र के शाहबाद कस्बे में नेशनल हाईवे पर पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों को पुलिस और प्रशासन ने रोककर पहले उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद शाहबाद बस स्टैंड से बसों में भरकर उन्हें वापस अंबाला की ओर भेज दिया। हिसार के उपमंडल बरवाला में बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। शनिवार रविवार की 2 दिन के बैंक बंद रहे। सोमवार को सुबह बैंक खुले तो लोग पैसा जमा करवाने और निकलवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की मूवमेंट को देखते हुए सभी अंतरराज्यीय और अंतर जिला सीमाएं सील करने के निर्देश दिए। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के लिए वहीं पर रिलीफ कैंप स्थापित करके उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाए और यदि फिर भी कोई जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फतेहाबाद के सबसे बड़े गांव गोरखपुर में भी लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। गांव की गलियां, चौक, चौपाल सब सूने पड़े हैं। करनाल में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी दे रहे राइडर पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। सोना में भले स्थानीय प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हो लेकिन आज भी सोना में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। सोना के बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों में सहयोग करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आह्वान पर 2020-21 में सांसद निधि से 1 करोड़ की सहायता राशि पर सहमति पत्र केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को भेज दिया है। लॉकडाउन के बाद पलायन कर रहे मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यमुनानगर में सरकार के दिशा निर्देश के बाद कैंप लगाए गए हैं। इन शिविरों में मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर उनके रहने खाने सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। तो शाम में डाडम ग्राम पंचायत ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राहत कोष में इतनी बड़ी रकम देकर ग्राम पंचायत ने मिसाल कायम की है। बल्लभगढ़ में के एक युवक ने कबाड़ से एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कोरोना के खिलाफ जंग में काफी मददगार साबित हो सकती है। दरअसल इस मशीन के इस्तेमाल से हाथों को बेहतरीन और सुरक्षित तरीके से सैनिटाइज किया जा सकता है। करनाल में 135 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया। ये सभी मजदूर पंजाब से बिहार और यूपी जा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मजदूरों को करनाल सीमा में रोका गया था जहां से उन्हें बसों के जरिए क्वारंटाइन सेंटर लाया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने पर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने बयान दिया है कि सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है।
कालावली में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल कालावली में आदेश के बावजूद शराब के ठेके खुले पाए गए। कालावली में सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद दुकानदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह के आपदा के वक्त में ऐसे बयान देना ठीक नहीं है। मजदूरों के पलायन को लेकर भी गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार डटकर खड़ी है, ऐसे में बहुत से सामाजिक संगठन भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पैदल पलायन करने वाले लोगों की मदद की। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कराकर जांच कराई और उन्हें खाना भी खिलाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को निशाने पर लिया। सैलजा ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए किए गए लॉकडाउन की अधूरी तैयारियों से प्रदेश में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।